हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डेली न्यूज एट 9। मेरा नाम है ऋषभ और आज भी कमाल की खबरें आई हैं, पांच टॉप की खबरें हैं। सबसे पहले बात करने वाले किया कारंस के बारे में, उसके साथ में बात होगी बलेनो के बारे में जो कि आने वाली है कुछ ही दिनों में, फिर महिंद्रा XUV 700 की डिलीवरीज को लेकर कुछ इन्फॉर्मेशन और उसके साथ साथ नई वाली वेन्यू के बारे में लॉन्च टाइमलाइन सामने आ गई है तो उसके बारे में बताऊंगा, और टाटा नेक्सॉन ईवी भी नई वाली आने वाली तो उसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे, तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना। शुरुआत करते हैं सबसे पहले किया कारंस से, जिसे हम बहुत जल्द चलाने वाले हैं, जिसका जो ड्राइव रिव्यू आपको एक दो दिनों में मिलने वाला है, जिसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा, पेट्रोल डीजल से लेकर माइलेज से लेकर उसकी स्पेसिफिकेशन डिटेल्स इंटीरियर सब कुछ, तो हमारी ही वीडियो देखना और किसी की नहीं देखनी। नहीं नहीं मजाक कर रहा, सबकी देख लेकिन हमारी भी देख लेना, आपके लिए हमारी टीम काफी ज्यादा मेहनत करने वाली है। बात करते हैं इसकी इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो बुकिंग्स ऑलरेडी ओपन है ऑफिशियल और अनऑफिशियल भी, 25,000 देकर आप इसे इसके पांच मॉडल्स में से किसी को बुक करवा सकते हैं, जिसमें प्रीमियम, प्रेस्टीज, प्रेस्टीज प्लस, लग्जरी और लग्जरी प्लस भी है। 6 और 7 सीट कलर और 6 और 7 सीटिंग कॉन्फ़िगरेशंस होगी, 64 एम्बिएंट कलर लाइटिंग होगी और उसके साथ साथ एक्सपेक्टेड प्राइस 13 से 18 लाख एक शोरूम। आई नो थोड़ी सी ज़्यादा है बट क्या कर सकते हैं, जब प्राइसिंग आएगी, जब इस गाड़ी को अगले महीने लॉन्च करेगी कंपनी फरवरी में, तब सारे डिटेल्स आपके लिए हम डेफिनेटली लेकर आ जाएंगे, तो तब तक का वेट कर लें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सेकंड न्यूज़, मेरी फेवरेट गाड़ी जो अभी फरवरी में लॉन्च हो रही है, दैट इज़ द न्यू बलेनो। न्यू बलेनो की जो प्रोडक्शन है शुरू हो गई है, एंड शुरू क्या हो गई है, पूरा रोल आउट शुरू हो गया है, उसका पहला मॉडल जो है पूरी तरीके से तैयार है, फोटो आपके सामने है और क्या कमाल लग रही है। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ मुझे जो थोड़ी कम अच्छी लगी, वो सुजुकी का लोगो को ज़्यादा ही बड़ा नहीं कर दिया, थोड़ा छोटा रखते ज़्यादा अच्छा लगता है। हालांकि लाइट्स वगैरह डेफिनेटली काफ़ी अच्छी लग रही हैं, और ये फोटो है 24 जनवरी की, यानी कि 3 दिन पहले की, लेकिन सामने आ जाइए और आप देख सकते हैं, ऑफकोर्स नेक्सा ब्लू कलर वैसा ही रखा गया, जो कि कमाल की बात है, लुक्स रियली रियली गुड ऑन द बलेनो, सूट करता है उसको, करता है कि नहीं करता, नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दें। अब इसका लॉन्च है फरवरी में, यहाँ पर इसमें आपको काफ़ी सारी ऑप्शंस मिलने वाली हैं और वी आर एक्सपेक्टिंग एक सीएनजी ऑप्शन भी मिलेगी। बलेनो के ऊपर हमने कंप्लीट अलग से वीडियो बनाई है कि क्या क्या उसमें चेंजेस होने वाले हैं, तो डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो भी आपको मिल जाएगी। बात करते हैं अगले अपडेट की, जो कि है पिछले साल की, यानी कि 2021 की कार ऑफ द ईयर महिंद्रा XUV 700। प्रॉपर अवार्ड्स रखे गए थे इसके लिए, नहीं वीडियो चेकआउट किए तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। न्यूज़ ये है कि कंपनी ने अपनी 14,000 डिलीवरीज एज प्रॉमिस्ड पूरी की, थोड़ा सा डिले हो गया, 16 जनवरी तक उन्होंने कहा था कि कर देंगे, लेकिन 26 जनवरी तक उन्होंने 14,000 यूनिट्स की डिलीवरीज जो है वो कंप्लीट कर ली हैं, एंड इट्स अ कमेंडेबल जॉब। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 90 डेज में पॉसिबल हो पाया है, 3 महीने में 14,000 गाड़ियों की डिलीवरी करना, वो भी महिंद्रा जैसी कंपनी के लिए, मतलब जहां पर ऑलरेडी इनकी बलेरो, XUV 300 इतनी सारी गाड़ियों की रेगुलर डिलीवरी चलती रहती है, सिर्फ एक गाड़ी की, वो एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। और आपको पता ही है कि कितने ज़्यादा इसके ऑर्डर्स आए थे, अभी भी बहुत ऑर्डर्स पेंडिंग है, क्योंकि 70,000 बुकिंग्स आई थी सिर्फ 2 दिन में। आई नो अनऑफिशियल ऑफिशियल कंबाइन करके वो 2 दिन हुए थे, बट फिर भी 70,000 ने ऑलरेडी लोगों ने बुक कर रखी है गाड़ी, जो कि सिर्फ 2 डेज में आई थी, उसके बाद भी बुकिंग हुई है ऑफकोर्स, और 14,000 यूनिट्स दे चुकी कंपनी, आगे भी देती रहेगी, एंड आई होप थोड़ा फास्ट और हो ताकि लोगों को डिलीवरी जल्दी मिले, लोग बहुत उतावले हैं अपनी गाड़ी के लिए। अब बारी आती है Hyundai Venue फेसलिफ्ट, जून 2022 में इस गाड़ी को अनवील कर दिया जाएगा, तो अगर आप वेन्यू लेने का सोच रहे हैं या फिर कोई भी सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में, थोड़ा रुक सकते हैं अगर आपको Hyundai जैसा ब्रांड अच्छा लगता है तो। हालांकि इसका सबसे बड़ा मेजर कंपटीशन जो है अप्रैल में लॉन्च हो जाएगा, वो है Brezza, एंड उसके साथ साथ XUV 300 भी बहुत जल्द आ जाएगी, लेकिन उसके लिए इतना वेट करना जरूरी नहीं है, बिकॉज कंपनी अभी महिंद्रा कंपनी जो है फोकस्ड है XUV 700 और महिंद्रा में कहीं स्कॉर्पियो में कहीं ना कहीं, तो XUV 300 थोड़ी डिले हो सकती है, बट Brezza रेडी है, वेन्यू ऑलमोस्ट रेडी है, एंड Brezza की इन्फॉर्मेशन हमें काफ़ी पता है, वेन्यू की चीज़ें ज़्यादा नहीं पता, बट दिखने में अभी वाली वेन्यू से तो मच मच बेटर है, वो मैं पक्का कह सकता हूँ। स्पेसिफिकली टेल लाइट की बात करें तो ग्रिल आई एम नॉट श्योर, ये तो जब फिजिकली हम अच्छे से प्रॉपर देखेंगे तभी पता लगेगा, बट डेफिनेटली जो चेंजेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। आई एम 100% श्योर कि इंजन में किसी तरह कोई चेंज नहीं किया जाएगा, बिकॉज वेन्यू के ऑलरेडी इंजन काफ़ी अच्छे हैं। फीचर्स में अभी और डिटेल्स आएंगी तो आप तक डेफिनेटली पहुँचाऊंगा, अभी सब स्पेकुलेशन है। वैसे ही Hyundai ने 4 गाड़ियाँ लॉन्च करनी है, जिसमें आ जाती है ये वेन्यू, नई वाली ट्यूशन आएगी, Kona EV और Creta फेसलिफ्ट भी तो आने वाली है, उसके लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। इस साल का अगर सबसे बड़ा लॉन्च मैं जिसकी वेट कर रहा हूँ वो आई थिंक Creta है कहीं ना कहीं। चलो अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे फेवरेट ब्रांड द टाटा नेक्सॉन ईवी। टाटा मोटर्स की तरफ से जो नेक्सॉन ईवी ऑलरेडी मार्केट में आती है बट अपडेट के लिए पेंडिंग है, तो कंपनी इज रेडी टू ऑफर अ न्यू नेक्सॉन ईवी विद अ लार्जर बैटरी पैक, जिससे आपको ज़्यादा
बहुत ज्यादा रेंज मिलने वाली है और उसके साथ साथ कुछ माइनर ट्वीक्स भी किए जाएंगे, जैसे कि सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए रियर में आपको ब्रेक्स डिस्क ब्रेक्स दी जाएंगी और ऑफ कोर्स इंटीरियर में कुछ फीचर्स ऐड होंगे, छोटे मोटे कॉस्मेटिक चेंज होंगे जिसके बारे में डिटेल्स में जल्दी बताऊंगा, बट दो चीज़ें मेजर हैं, रियर डिस्क ब्रेक्स और लॉन्गर रेंज। अभी क्या है 30 किलोवाट आर की बैटरी यहाँ पर आती है, अब बाद में आएगी 40 किलोवाट आर की, वो एक काफ़ी अच्छी चीज़ है कि कहीं ना कहीं जो उसकी रेंज है वो 400 किलोमीटर की हो जाएगी, और अगर प्राइस ज़्यादा इंक्रीज ना किया जाए, बहुत थोड़ा सा फ़र्क हो प्राइस में, तो ये बहुत ही बढ़िया एक ऑप्शन हो जाएगी हमारे इंडियन बायर्स के लिए जो कि एक इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने का सोच रहे हैं, स्पेसिफिकली मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जहाँ पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी प्रॉब्लम नहीं जितनी बाकी सिटीज़ में है। एंड आई रियली होप टाटा जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करे। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ नई इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेकर, वेन्यू को लॉन्च, ब्रेजा का लॉन्च और बहुत सारी गाड़ियाँ इस साल लॉन्च हो रही हैं, और मैं हर बार की तरह हर एक गाड़ी के बारे में इंफॉर्मेशन, रिव्यूज, कंपैरिजंस आपके लिए इसी चैनल के ऊपर अपलोड करता रहूंगा, और रोज़ 9 बजे तो अपलोड करनी ही होती है, इसलिए कहता हूँ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय।